गाजीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। गाजीपुर कोतवाल मनोज रतोड़ी को प्रधानाचार्य ने किया सम्मानित। मौसम के बदलते मिजाज से बड़ी ठिठुरन। कस्टमर केयर का नंबर लेना पड़ा भारी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया ध्वजारोहण। कोंडा थाना पुलिस ने किया एक अभियुक्त को गिरफ्तार। केवीआर की नर्सरी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रमाणित। अवैध खनन पर तहसीलदार ने की कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज कोतवाल मनोज रतोड़ी को 26 जनवरी पर पुरस्कार मिलने पर कॉलेज में प्रधानाचार्य ने सम्मानित कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान काशीपुर कोतवाल मनोज रतोड़ी ने छात्रा को कई विषयों पर जरूरी जानकारी दी और कहा कि कोई भी परेशानी हो किसी भी समय पुलिस उनके लिए हमेशा खड़ी है। मुझे बता पुलिस को बेचक बता रहा हूं, आपका एक छोटा सा कदम होगा, आपकी छोटी सी मतलब पहल होगी, लेकिन आपका जीवन बच जाएगा। आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर दी। अभी आपको सर पढ़ा रहे थे, आईटीआई से संबंधित बात कर रहे थे। यदि आपके आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, आपकी छुट्टी के डालने लगे कौन बोलते हैं। हमने कई लोगों को टाइम किया कि पढ़ लिखे हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बच्चों को बता रहा हूँ 15 से 20 साल के बच्चों के बहुत मेटर में फंसा रहता है और बड़ा दुख होता है। अभी आपकी उम्र अगले 10 साल तक, यदि आप 15 साल की आपकी उम्र 25 साल तक केवल पढ़ाई करने की उम्र है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मैं महिला को अपना नहीं मानता और ना आपको होना चाहिए। आपकी उपमा जो है वो चांद के साथ नहीं होनी चाहिए, आपकी उपमा होनी चाहिए सूर्य के साथ। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। आज सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया है। काशीपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाने के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम के इस बदलते मिजाज से ठिठुरन बढ़ गई है, साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी पड़ रही है। सुबह के समय तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है और साथ ही भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। काशीपुर में एक बार फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ITI थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीमराखेड़ा मछरा निवासी नरेश सिंह ने बताया कि 5 साल पूर्व उसने SBI लाइफ पॉलिसी खरीदी थी। 5 वर्ष पूरे होने पर उसके पॉलिसी के फायदे लेने के लिए गूगल से कस्टमर केयर का नंबर लेकर फोन किया गया, तो आलोक नाम व्यक्ति ने पॉलिसी के फायदे प्राप्त करने के लिए बैंक को अमाउंट ट्रांसलेशन फीस के नाम पर 60,000 रूपए जमा करने को कहा। उसकी बातों पर भरोसा कर गूगल पे से उसके बताए खाते में रकम डाल दी गई। बाद में फोन न उठाने पर उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। काशीपुर नवचेतना भवन कार्यालय में आज भारत जोड़ो यात्रा ने 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 4,080 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसका आज समापन हो गया है। इस दौरान कार्यक्रम में कार्यकारिणी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष राजू चीना, वरिष्ठ कांग्रेसी मोहम्मद हनीफ गुड्डू व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लोग पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय?
कल से जाए मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। आप लोगों को करीब कोंडा थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने बीती 26 जनवरी को पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री कहीं चली गई है, जिसे लेकर कोंडा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए नाबालिग की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने कल बीती शाम विक्की यादव को ठाकुर द्वारा तिकोनिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया है। काशीपुर के जाने माने हॉस्पिटल केवीआर के नर्सरी को पूर्व में भी एनएबीएस द्वारा प्रमाणित किया गया था, जो कि मेडिकल गुणवत्ता जांचने के लिए सबसे बड़ी संस्था है। वहीं अब केवीआर की नर्सरी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एनएनएफ एवं एनएबीएस द्वारा किया गया है। साथ ही केवीआर उत्तरांचल में पहली एवं एकमात्र नर्सरी होने का भी दावा करता है। काशीपुर क्षेत्र में तहसीलदार द्वारा गुलजारपुर कोसी नदी में अवैध खनन को लेकर छापेमारी की गई, जहां तहसीलदार द्वारा कोसी नदी में लगे हुए पंप को मौके से पकड़ा गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है समय समय पर निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ भी अवैध खनन पाया जाता है वहाँ पर जो है तत्काल जांच करें। तो उपजिलाधिकारी महोदय और हम अपनी टीम के साथ जो है समय समय पर जाते हैं। समय पर देखा कि कुछ व्यक्ति जो है अवैध खनन किया गया, देखा कि जो ये पंप हैं जिससे कि पानी जो सींच रहे थे, पानी सींच के जो इनके द्वारा जो है अवैध खनन किया गया था, तो तभी जो है ये पंखे जो हैं वहाँ से उठाए गए और तहसील में जमा कर दिए गए। ये कोसी नदी से उठाए गए हैं अजीतपुर क्षेत्र से। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिरा न्यूज के साथ। धन्यवाद।